मैं हूँ धाकड़। मैं हूँ धाकड़। सबसे पहले तो जो बुराइयों से दूर रहे वही धाकड़ है। अपने परिवार के साथ रहे और उनका उनके उनको सहयोग करे, अपने देश को सहयोग करे। ये नहीं है कि भाई हाँ मैं हूँ भारतीय लेकिन अपने देश के साथ ही मतलब गद्दारी करते रहे, वो धाकड़ है। और अपने नशे से मुक्त रहे और अपनी ड्यूटी है जो उसको निभाते रहे, वो धाकड़ है। बात बदलने की फिक्र तो कर, बदले या ना बदले जिक्र तो कर, इतना नाउम्मीद भी ना हो, इतना नाउम्मीद भी ना हो, राही मंजिल मिलेगी, तू सफर तो कर। मैं हूँ धाकड़। ये जो नशा फैलाए समाज में, जो समाज में नशा फैलाए, मैं उन्हें बदनाम करता हूँ। राजकीय कॉलेज बरवाड़ा की पावन धरती, मैं उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यशस्वी ADGP साहब, आप तो हमारे दिलों में बस गए हैं। छूकर आई जो आपको, मैं उस हवा को सलाम करता हूँ। इन शब्दों के साथ शुरुआत की थी। राम राम शबनम। मैं पिंकी किनाल और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिराज भाई बरवाड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में मौजूद हैं और आज का जो मुद्दा था वैसे तो मेगा जॉब का था, जॉब तो रिलेटेड था, लेकिन नशा मुक्ति को लेकर के श्रीकांत यादव ने जो आज बात रखी उसके बारे में भी बात करांगे। फिलहाल अपने साथ बिठड़वा खाप के प्रधान है, बिठमड़ा खाप के प्रधान, उनसे बातचीत करांगे किसा आज का जो है प्रोग्राम रहा है। राम राम। मैं राम कुमार रानोलिया, सचिव बिठमड़ा सिमेंट खाप और गाँव भेरी अकबरपुर से मैं भी यहाँ शिरकत करने आया था। मुझे मालूम हुआ कि श्रीकांत यादव जी हैं, यहाँ बच्चों को संबोधित करेंगे और नशे के ऊपर अपना एक बहुत बढ़िया जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं नशा मुक्ति का, उसके ऊपर भी हमें कुछ सुनने को मिलेगा। यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने विस्तार पूर्वक न केवल नशे की बुराइयाँ बताई बल्कि उनको छुड़वाने का तरीका भी बताया और पुलिस का सहयोग कैसे कर सकते हैं और आप अपना नैतिक रूप से कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं, इस पर भी उन्होंने विस्तार से बताया। इसी विषय पर मैंने भी अपने विचार रखे थे और माननीय ADGP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं और इस प्रसार प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं भी सभी से अपील करता हूँ कि नशा मुक्ति के अंदर आप जुड़ें क्योंकि नशा बर्बाद कर देता है घर को। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा, प्रेरणादायक रहा और मैं पुनः ADGP साहब का, श्रीकांत यादव जी का धन्यवाद करता हूं कि जो वो अपने कर्तव्य से भी ज़्यादा बढ़ करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और नशा मुक्ति अभियान को कामयाब कर रहे हैं। एक चीज और कही है, मैं धाकड़ हूँ, वो धाकड़ चीज आप किस न मानो, धाकड़ कौन धाकड़ हुए धाकड़? धाकड़ के अर्थ तो यही होते हैं कि जो अपने आप को सक्षम समझे जी। और हम अगर ये ठान लें कि किस बुराई को दूर करना है जी। तो आप मान लें कि हमें भी धाकड़ ही है, किसी से कमज़ोर नहीं है। तो इसी संदर्भ में ये शब्द है कि आप अपने आप को सक्षम बनाइए और बुराई से लड़ने के लिए अपने आप को प्रेरित भी कीजिए और सक्षम भी बनाइए। बुराई आगे होके चल पड़ेगी, बुराई ज़्यादा देर नहीं ठहरती जब तक हम उसका मुकाबला नहीं करते, यही कारण है। के लाइनें जो आपने आज सुनाई थी एक बार वे लाइनें दोबारा सुना दो जी। हाँ, वो मैंने कहा था कि जैसे शुरुआत तो मुझे समय थोड़ा दिया जाता, मैंने शुरुआत तो भूमिकाएं बंद करके औपचारिकताएं शुरुआत ही मैंने ऐसे कर दी थी। जैसे मेरा शुरुआत का शब्द ये था कि जो नशा फैलाए समाज में, जो समाज में नशा फैलाए, मैं उन्हें बदनाम करता हूँ। राजकीय कॉलेज बरवाड़ा की पावन धरती, मैं उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। यशस्वी ADGP साहब, आप तो हमारे दिलों में बस गए हैं। छूकर आई जो आपको, मैं उस हवा को सलाम करता हूँ। इन शब्दों के साथ शुरुआत की थी और मैंने ये बताया था कि जब भी गांव के अंदर नकारात्मक सोच के जो लोग हैं वो जब ये कहते हैं कि ना रह के हुए प्रचार हूँ, तो उनके लिए मैंने चार लाइनें अर्ज की थी। हालात बदलने की फिक्र तो कर, बदले या ना बदले जिक्र तो कर, इतना नाउम्मीद भी ना हो, इतना नाउम्मीद भी ना हो, राही मंजिल मिलेगी, तू सफ़र तो कर, तू सफ़र तो कर। तो
भाई बहुत अच्छी जो लाइन इन्हें लिखी थी अंकल जी, कवि भी बहुत अच्छे हो, मतलब बहुत अच्छी लाइन लिख लो हो। कोई नशा मुक्ति पर भी पोएम आपने लिखी हो? किस पे? नशा मुक्ति पे। नशा मुक्ति पे हाँ लिखी हुई है मैंने, बताओ एक। लेकिन इस वक्त मैं सुना नहीं पाऊंगा, लिखी हुई है डायरी में है, याद नहीं है मतलब। हाँ पूरी याद नहीं, फिर वो अच्छी नहीं लगता। वैसे तो मैं पहले प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूँ इससे, इनसे पहले जो आई साहब थे राकेश आर्य जी, वो मुझे बुलाते थे प्रोग्रामों में और मैं जाके बोलता था, कविताएं बोलता था जी। तो अब इनको मैंने कहा जब भी आवश्यकता समझे जरूर समझे, मैं कविता लेके हाजिर हो जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना समय दिया बोलने के लिए। तो भाई फिलहाल साथी मतलब जो बच्चे हैं वे भी अपने साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करांगे किस प्रकार के मतलब उन्हें आज के विचार उनके रहे हैं, क्या कुछ उन्हें देखने मिला है। आज का प्रोग्राम किस ला क्या? बहुत ज़्यादा बढ़िया मैम, सबसे बढ़िया बात कौन सी लागे आई? मैं हूँ धाकड़। मैं हूँ धाकड़। यस मैम। किसने धाकड़ मानू? जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं और जो देश में जो बुराइयां हो रही है उनको दूर करने के लिए काम करते हैं, जो निर्भीक होकर काम करते हैं उनको धाकड़ मानते हैं। आप किसको मानते हो धाकड़? मैं धाकड़ उसे मानती हूँ जो अपनी माता पिता की रिस्पेक्ट करता है और जो मतलब निर्भीकता से काम करता है, जो हमेशा निर्भय रहता है। आज की मुख्य बुराइयाँ क्या हैं? आज का युवा बच्चा में सबसे बड़ी बुराई कौन सी? नशे की है मैम सबसे ज़्यादा बुराई, तो मतलब हर उसमें नशा ही फैला हुआ है मैम। किस प्रकार नशे को रोका जा सकता? पहले तो खुद ही सुधर कर फैला, मतलब खुद को सुधार लो तो सब सारा समाज ही सुधर जाएगा। आज के प्रोग्राम का खास और सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा था? मैं हूँ धाकड़। मैं हूँ धाकड़। किसको धाकड़ मानते हो? मतलब जो अपने काम खुद करता है, पेरेंट्स की इज्जत करता है, जो निर्भयोग अपने काम करता है, मैं उसे धाकड़ मानती हूँ। वही सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स से पहले ये लड़की उसे धाकड़ मानती है। पेरेंट्स वाली बात तो है ही है, जो अपने मतलब निर्भय हो के खुद के आत्मनिर्भर जो रहना चाहे है, जो खुद के ऊपर विश्वास रखा है कि भाई मैं कुछ भी कर सकूँ, उसे न मानते हो? यस मैम। लक्ष्य क्या है? IPS बनना। IAS बनना। कौन से गांव से हो? मतलोड्डा। मतलोड्डा से। आपका क्या नाम है? किरण। कौन से गांव से हो? बरवाला से। बरवाला से ही हो। क्या लक्ष्य है आपका? मैम सिविल सर्विस में जाना, IPS UPSC अच्छी, मतलब देश की सेवा करना, यही मेन लक्ष्य है हमारा। देश की सेवा करना मेन लक्ष्य है। कि आज के प्रोग्राम का मुख्य हिस्सा कौन सा, मतलब सबसे बेस्ट हिस्सा कौन सा लगा? IPS इनका श्रीकांत जादव का ही मैम अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने मतलब सभी कवर कर लिया था, नशा मुक्ति स्टडी के बारे में, मतलब एवरीथिंग इज कवर्ड बाय हर। सब कुछ कवर कर लिया था। क्या लगता है सबसे बढ़िया बात, मतलब एक थी मैं हूँ धाकड़, तो धाकड़ किसने मानो हो? सबसे पहले तो जो बुराइयों से दूर रहे वही धाकड़ है, अपने परिवार के साथ रहे और उनको सहयोग करे, अपने देश को सहयोग करे। ये नहीं है कि भाई हाँ मैं हूँ भारतीय, लेकिन अपने देश के साथ ही मतलब गद्दारी करते रहे, वो धाकड़ है, और अपने नशे से मुक्त रहे और अपनी ड्यूटी है जो उसको निभाता रहे, वो धाकड़ है। तो भाई ये कुछ स्टूडेंट थे अपने साथ बरवाड़ा कॉलेज के, जिन्होंने आज के प्रोग्राम का जो मुख्य लक्ष्य था वो चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं। और जो धाकड़ का शब्द आज का जो मुख्य लाइन थी, टैग लाइन थी, मैं हूँ धाकड़, किसको ये धाकड़ मानते हैं और इनके मन में धाकड़ कौन है, वो चीज़ें इन्होंने बताई हैं। आपकी क्या राय है और आप किसे धाकड़ मानते हैं, एक बार फिर से कमेंट सेक्शन में रखे, मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।